नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों, हम लोग लास्ट टाइम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने उसमें रोम को डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। दोस्तों, एक्चुअल में ये क्या होती है, ये मैग्नेटिक कोटिंग की हुई एक लेयर होती है जिसको हम मैग्नेट की हेल्प से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के इसको वन और जीरो में सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। तो अगर इसको लिखते हैं, सो इट इज कॉटेड विद, इट इज कॉटेड विद अ मैग्नेटिक सेंसिटिव, विद अ मैग्नेटिक सेंसिटिव टिप, मैग्नेटिक सेंसिटिव लेयर वेद। दोस्तों, हम इसको एक मैग्नेटिक सेंसिटिव जो लेयर है उसे कोटेड कर देते हैं और इस लेयर को बाद में मैग्नेटाइज किया जाता है विद लेयर, एंड दिस लेयर इज मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटाइज्ड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन और जब दोस्तों इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तभी बाइनरी जो कंप्यूटर है वो वन और जीरो को समझता है। आप मान सकते हो कि जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तब हम उसको वन मान लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज तब जीरो। तो इस तरह से दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इंडिकेट, विच इंडिकेट्स बाइनरी जीरो एंड वन, जो कि बाइनरी जीरो और वन को क्या करते हैं दोस्तों, इंडिकेट करता है। तो ये होता है मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। अब इसमें दोस्तों जो वीसीआर वाली कैसेट्स आती थी उनको आप ले सकते हो, वो भी मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया ही होती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली स्टोरेज की, दैट इज फ्लॉपी डिस्क और डिस्केट, जिसको बोलते हैं दोस्तों फ्लॉपी डिस्क और डिस्केट। नेक्स्ट स्टोरेज है हमारी फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क के बारे में अगर बात करें तो फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होती थी, आजकल यूज नहीं की जाती है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। ऑब्सोलीट दोस्तों एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब जो चीज पहले यूज की जाती थी बट अब उसे यूज हम लोग नहीं करते हैं। फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव। तो दोस्तों नेक्स्ट फ्लॉपी ड्राइव या डिस्क भी लिख सकते हैं आप इसे, डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। और इसका एक नाम और भी मैंने बताया, डेस्केट। तो दोस्तों इसका ये नाम भी है। अब दोस्तों फ्लॉपी की बात करते हैं, तो फ्लॉपी क्या है, आपने अभी जो है ये फ्लॉपी जो है ट्रेंड में नहीं है, लेकिन जब शुरुआत में कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी तब जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने की बात की जाए तो वहां पर फ्लॉपी जो डिस्क है या डिस्केट है उसे यूज किया जाता था। अब दोस्तों बात करें तो फ्लॉपी डिस्क कुछ ऐसी होती थी, यहां पर उसको फाइल का नेम लिखने के लिए जगह होती थी। तो दोस्तों इस तरह की एक रेक्टेंगल टाइप की होती थी फ्लॉपी डिस्क। अब उसमें जो डेटा स्टोर होता था, अगर बात करें डेटा स्टोर की, तो दोस्तों ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ फाइल सेव करने के लिए होती थी। और अगर बात करें स्टोरेज की तो 1.4 MB जो होता था डेटा, उसी डेटा को ही वो स्टोर कर सकती थी। तो दोस्तों ये पहले यूज होती थी, आजकल इसे हम यूज नहीं करते। और बात करें दोस्तों इसके
मटेरियल की। तो दोस्तों ये भी एक डिस्क होती है जो कि एक प्लास्टिक के कवर में पैक्ड होती है, और दोस्तों इसके अंदर जो डेटा स्टोर करने की बात करें तो वो एक मैग्नेटिक कोटिंग फिल्म होती है जो कवर्ड होती है विद अ प्लास्टिक केसिंग, तो इसे बोलते हैं दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्लॉपी ड्राइव जो होती है दोस्तों ये होती है एक मैग्नेटिक डिस्क या फ्लेक्सिबल डिस्क, इट इज अ फ्लेक्सिबल डिस्क मेड अप ऑफ, दोस्तों एक माइलर करके एक मटेरियल होता है दोस्तों, वो उससे बनी होती है और इसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होती है, मेड अप ऑफ माइलर विद मैग्नेटिक कोटिंग ऑन इट, इसके ऊपर मैग्नेट की कोटिंग होती है दोस्तों। और अगर बात करें इस ये खुली नहीं होती, इसमें हमने पढ़ा कि प्लास्टिक की पैकेजिंग में होती है, सो इट इज पैकेज्ड इनसाइड अ प्लास्टिक इनसाइड अ प्लास्टिक एनविलप। अब बात करें दोस्तों इसकी यूज की, तो आजकल ये यूज नहीं होती है, इट इज नो लॉन्गर इन यूज। बात करें दोस्तों इसकी स्टोरेज की, तो ये स्टोर कर सकती है दोस्तों 1.44 MB डेटा, इट कैन स्टोर अप टू 1.44 MB डेटा। तो दोस्तों 1.44 MB डेटा को ये स्टोर कर सकती थी। ये था दोस्तों कुछ फ्लॉपी डिस्क के बारे में, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया था, आप वैसा सा थोड़ा सा बना सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों हार्ड डिस्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप ये नोट नहीं कर पाए थे तो वीडियो को बैक कीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए और उसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पर, दैट इज हार्ड डिस्क। दोस्तों ये तो काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल, यही चलती है हार्ड डिस्क। लेकिन दोस्तों हार्ड डिस्क के बारे में भी अगर बात करें तो हार्ड डिस्क भी आजकल दो तरह की यूज़ हो गई होती है। पहले जो हार्ड डिस्क यूज़ होती थी, जो हम पहले पढ़ने वाले हैं, वो हार्ड डिस्क जो होती थी वो कोसेंट्रिक सर्कल्स या डिस्क टाइप बनी होती थी, जिसकी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो हार्ड डिस्क होती थी वो पहले मूवेबल पार्ट होती थी, जैसे कि आप ये मान सकते हैं, और एक इनके बीच में रीड करने के लिए ये रीडर होता था, और ये सारी की सारी एक कॉमन स्पिंडल पर घूम रही होती थी ये डिस्क, बहुत सारी मैग्नेटाइज डिस्क है दोस्तों ये, और ये घूमती रहती है। और अगर बात करें डेटा स्टोर की, तो इन जो डिस्क है इनमें डेटा स्टोर किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, आप देखिए जो पहले वाली डिस्क है, वेरी फर्स्ट जो डिस्क है और जो वेरी लास्ट डिस्क है, उसके बीच में जो सारी बहुत सारी डिस्क होंगी दोस्तों, और जब ये सारी घूमती है तो ये डेटा को स्टोर करती है। अब बात करते हैं जो सबसे टॉप वाली है और सबसे बॉटम वाली है। दोस्तों जो टॉप वाली है उसकी सिर्फ लोअर जो लेयर होती है वही डाटा स्टोर करती है, और दोस्तों इधर वाली इसकी भी लोअर लेयर ही डाटा स्टोर करती है, क्योंकि डेटा को रीड करने के लिए यहीं पर ही रीडर लगा होता है। ये डेटा को क्या करते हैं दोस्तों, रीड करता है और ये मूव करती रहती है। तो दोस्तों इस तरह से जो हार्ड डिस्क है हम लोग ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं वो क्या है, मूवेबल डिस्क है, जो कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, मूव करती रहती है और डेटा को मैग्नेटिक फॉर्म में
क्या करती रहती है, सेव करती रहती है। लेकिन दोस्तों आजकल जो आ गई है एसएसडी हार्ड डिस्क आ गई है, सॉलिड स्टेट डिवाइस मींस नो मूविंग पार्ट, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं दोस्तों। और अगर बात करें इन डिस्क की, तो ये जो डिस्क होती है, मान लीजिए ये एक सिंगल डिस्क मैंने यहां से निकाल ली। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो टॉप और बॉटम लेयर है उनकी सिर्फ लोअर लेयर जो होती है, इनर साइड लेयर होती है, वही डेटा स्टोर करती है। लेकिन जो बाकी जितनी भी डिस्क बन गई इनकी बोथ साइड जो होती है डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है, बोथ साइड डेटा स्टोर, इनमें दोनों साइड हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों कि एक डिस्क हार्ड डिस्क के अंदर किस तरह से डेटा स्टोर होता है, तो मैंने एक डिस्क उठाई और उस डिस्क को मैंने यहाँ पर जूम कर लिया थोड़ा सा बड़ा करके, हम समझते हैं कि कैसे इस पर काम चलता है। तो दोस्तों ये मान लेते हैं दोस्तों ये इसका रीडर है, यानी कि जो डेटा को रीड करता है, ये हमने रीडर मान लिया। अब जो यहाँ पर डिस्क है, इस डिस्क में दोस्तों ऐसे सर्कल्स बने होते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं ट्रैक्स। यानी कि एक जो मैग्नेटाइज्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, वो मल्टीपल डिस्क से मिलकर बनी होती है। और सिंगल डिस्क की बात करें तो वो डिस्क भी सब डिवाइडेड होती है आगे ट्रैक्स में दोस्तों, ये ट्रैक्स में डिवाइड होती है। जैसे मान लीजिए इसकी बात कर लेते हैं, ये अपने आप में ही एक ट्रैक है। और अगर इस ट्रैक को मैं और डिटेल में लेकर जाऊं तो ये ट्रैक्स जो आगे है वो सब डिवाइड होता है सेक्टर्स में। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो डेटा को स्टोर करती है। चलिए दोस्तों ये था हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि हार्ड डिस्क में क्या क्या पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो पॉइंट नोट करने वाले हैं वो अब हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, हार्ड डिस्क जो होती है मोर देन वन कॉन्सेंट्रिक जो डिस्क होती है उससे मिलके बनी हुई होती है। तो इसको लिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ। और दोस्तों जो इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर सर्कुलर डिस्क। चलिए दोस्तों अब हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर वन और मोर देन सर्कुलर डिस्क। प्लेटर्स, इन डिस्क को प्लेटर्स बोला जाता है दोस्तों। और अब ये जो डिस्क होती है ये माउंट होती है कॉमन स्पिंडल पर, हमने अभी डायग्राम में पढ़ा था कॉमन स्पिंडल, प्लेटर्स एंड माउंटेड ऑन अ कॉमन स्पिंडल। जैसे दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, मैं इसको यहां बना देता हूं। तो दोस्तों ये इनका रीडर था यहां पर जो इनके डेटा वो रीड करता है, और ये सारी की सारी डिस्क एक कॉमन स्पिंडल पर घूम रही होती है जो इन्हें घुमाता है, रोटेट करवाता है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों स्पिंडल। तो इसको आप लिख सकते हो स्पिंडल, स्पिंडल ये होता है डाटा रीडर, डाटा रीड और राइट ये दोनों काम करता है, या इसको हेड भी बोलते हैं, इसको आप हेड लिख सकते हो हेड, तो इसे हेड भी बोला जाता है। अब सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा दोस्तों कि जो हार्ड डिस्क होती है उसकी जो इनर, अगर हम बात कर ले इनकी, ये और ये आउटर डिस्क है, आउटर डिस्क। तो दोस्तों जो आउटर डिस्क होती है उनकी सिर्फ इनर साइड ही डेटा को स्टोर करती है,
क्योंकि इधर कोई रीड करने वाला नहीं होता, रीडर हेड नहीं लगा होता इसलिए। लेकिन जो अंदर की साइड है दोस्तों, ये इसके बीच में लगा, ये इधर नीचे की साइड भी रीड कर सकता है और इधर भी कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बोथ साइड होती है डिस्क की, वहां से डाटा रीड और राइट किया जा सकता है, लेकिन जो बॉटम जो डिस्क होती है, टॉप और बॉटम, उसकी सिर्फ इनर सरफेस ही यूज होती है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, बोथ साइड ऑफ द डिस्क इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, या बोथ सरफेस ऑफ द डिस्क इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, बट टॉप एंड बॉटम डिस्क इनर साइड और इनर सरफेस इज कैपेबल टू रीड और राइट डेटा। तो दोस्तों बात करें हम सरफेस की, तो यहाँ पे जो डिस्क है इनकी टॉप और बॉटम की इनर साइड ही डेटा को रीड और राइट कर सकती है, बाकी इसके अंदर जितने भी डिस्क है वो डेटा को रीड और राइट दोनों तरफ से कर सकती है। अब हमने पढ़ा दोस्तों कि जो डेटा होता है हार्ड डिस्क के अंदर वो सेव होता है ट्रैक्स में, और ट्रैक्स आगे फर्दर सब डिवाइडेड होता है इंटू सेक्टर्स। तो दोस्तों ये सेक्टर्स में डिवाइड होता है, वही लाइन हमें नोट करनी है। अब देखते हैं इसको। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन ईच ऑफ द डिस्क ट्रैक्स which are further subdivided further subdivided into sectors। जो कि आगे सब डिवाइडेड होता है सेक्टर्स में, इसको आप यहां भी बना सकते हैं दोबारा से अगर आपने नहीं बनाया है। तो दोस्तों ये हम मान सकते हैं कि इसे बोलते हैं हेड, जो कि यहां पे हमने बनाया हुआ है। ये दोस्तों ये आता है हमारा ट्रैक्स, और इन ट्रैक्स को अगर फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर लें तो दोस्तों ये सब डिवाइडेड हो जाते हैं आगे सेक्टर्स में। ये अपने आप में एक सेक्टर है। तो दोस्तों इस तरह से जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारी बनी हुई होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी स्टोरेज की। तो दोस्तों जहां पर बात है स्टोरेज की, तो हार्ड डिस्क हमें पता है आजकल मार्केट में हार्ड डिस्क पहले जो आती थी जीबी के अंदर आती थी, स्टोरेज की बात करें पहले आती थी जीबी में 500 जीबी, लेकिन आजकल आती है टीबी में, दैट इज 1000 जीबी, या उसको बोल सकते हैं टीबी, जीबी टू टीबी बोल सकते हैं हम स्टोरेज आजकल टेराबाइट्स, जीबी इज गीगाबाइट्स एंड टीबी इज अ टेराबाइट्स। और दोस्तों इस तरह से जो हमारा हम बात करें हार्ड डिस्क हमने कंप्लीट पढ़ ली है। अब हम दूसरे जो तरीके नेक्स्ट बात करें तो जो दूसरी डिवाइसेस हैं जो यूज होती है डेटा स्टोरेज के लिए, हम उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर हम लोग आगे फर्दर मूव कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ेंगे हम ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में आपने सुना ही होगा
जो सीडी वगैरह हम लोग यूज करते हैं वो आती है दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में। ऑप्टिकल डिस्क। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो हमारा रहेगा ऑप्टिकल डिस्क। तो दोस्तों अगर बात करें ऑप्टिकल डिस्क की, तो ऑप्टिकल डिस्क में जो डेटा है दोस्तों वो स्टोर किया जाता है यूजिंग लेजर बीम्स। तो हम लोग लेजर बीम्स की हेल्प से डेटा को स्टोर करते हैं दोस्तों। और जो डेटा स्टोर होता है, जैसे लेजर बीम किसी भी डिस्क के ऊपर जाती है, जैसे हम मान लेते हैं ये डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, तो दोस्तों लेजर बीम जैसे इस पर टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो दो तरह के पैटर्न्स बनाती है। एक को बोलते हैं दोस्तों पिट्स या पिट, और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों रिज। रिज अगर इनके मीनिंग की बात करें दोस्तों, तो इसका मतलब होता है शिखर, टॉप। तो यहां पर टॉप का मतलब हमारा क्या है, वन। तो ये रिज जो है वो इंडिकेट करता है वन, और पिट जो है वो इंडिकेट करता है जीरो, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जीरो और वन को। तो वही पैटर्न हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ट्रेस करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों पहले ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज को लिख लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या कैटेगरी बनेगी हम लोग उसको समझेंगे। इन दिस टाइप ऑफ मीडिया, तो दोस्तों इस तरह की जो मीडिया है इसमें जो डेटा है वो स्टोर होता है इन ऑप्टिकल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम। इन दिस टाइप ऑफ मीडिया डेटा इज स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम। दोस्तों एक लेजर बीम होती है जो हम इस पे स्ट्राइक करते हैं, जो कि जैसे ही लेजर बीम हमने इस पे डाल दी, वो क्या करती है दोस्तों, जैसे हमने अभी पढ़ा, वो स्पेशल टाइप के पैटर्न्स बना देती है, जिसको बोलते हैं हम रेट्स और पिट्स। लेजर बीम, विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम एंड स्टोर्ड डेटा, स्टोर्ड डेटा अ स्पेशल पैटर्न इन अ स्पेशल पैटर्न। स्पेशल पैटर्न में डेटा स्टोर करती है, और उसी को अभी हमने पढ़ा दोस्तों, दैट इज पिट्स एंड रिज। पिट्स और रेज की फॉर्म में दोस्तों ये क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आएगी, या हम बोल सकते हैं दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कौन कौन सी टाइप की मीडिया आ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सीडी। सीडी सीडी की अगर बात करें दोस्तों, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, और जो हम लोग यूज करते हैं उसमें सबसे पहले आती है सीडी रोम। रोम हमने पढ़ा था। सीडी इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो डिस्क होती है इसको हम राइट नहीं कर सकते, रोम की तरह सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसे कि हम मार्केट से कोई मूवी की सीडी परचेज करके लाते हैं, तो हम लोग अपने सीडी प्लेयर में उसे सिर्फ देख सकते हैं, उस सीडी के अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी वन टाइम रिकॉर्डेड है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों सीडी रोम। उसके बाद आती है दोस्तों सेकेंड, दैट इज सीडीआर। सीडीआर, तो सीडी का मतलब सेम दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड मेन चीज है आर। आर का मतलब होता है दोस्तों रिकॉर्डेबल, जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है।
रिकॉर्डेबल। तो ये होता है दोस्तों CDR। उसके बाद दोस्तों एक और टाइप की भी CD आती है, दैट इज CDRW। CDRW दोस्तों, CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, R फॉर रीड, W फॉर राइट। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इस ये जो CD होती है इसे रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है बार बार। तो इसको लिख सकते हैं री राइटेबल। तो इसे दोस्तों दोबारा क्या किया जा सकता है, रीड मतलब रीड करने के बाद इसे फिर से राइट किया जा सकता है, दैट इज री राइटेबल। तो ये होता है CDR। इसके बाद जो कैटेगरी आती है दोस्तों वो आती है DVD। DVD दोस्तों अगर बात करें CD की, हमने क्योंकि अभी तक तीनों CD ही पढ़ी, तो जो CD होती है दोस्तों वो स्टोर कर सकती है, स्टोर डेटा अप टू 650 MB से 700 MB के आसपास, इतना डेटा को स्टोर कर सकती है दोस्तों। अब हम लोग स्विच करेंगे DVD पर। DVD का मतलब होता है दोस्तों, इसके दो मीनिंग निकल जाते हैं। फर्स्ट होता है डिजिटल वर्सेटाइल एंड D फॉर डिस्क। और दोस्तों कई बार इसका एक और मीनिंग भी बन जाता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो दोस्तों दोनों में से जो भी आ जाए ऑप्शन में आप लोग लगा सकते हो। दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन रहता है कि दोनों ही आ जाए, उस केस में आप लोग डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल यही होता है दोस्तों इसका मीनिंग। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अब इसकी स्टोरेज पे बात कर लेते हैं ये। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी, तो ये 4.7 GB से दोस्तों ये 17 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है, जो DVD होती है हमारी। अब इसके बाद एक और डिस्क आती है दोस्तों, ब्लू रे डिस्क। दोस्तों ब्लू रे डिस्क वो जो DVD के टाइप होती है जो हमारी फुल HD वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड करने के काम आती है। तो इनमें ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती HD की, इनके लिए ब्लू रे डिस्क आती है दोस्तों। और दोस्तों इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। दीज आर फोर HD वीडियोस एंड ऑडियोस। ये HD वीडियो और ऑडियो के लिए होती है दोस्तों। और अगर बात करें इनकी कैपेसिटी की, तो दोस्तों अगर ये भी इनमें दो तरह की आती है दोस्तों, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड। अगर बात करें हम सिंगल साइडेड की, मैं इसको यहां लिख देता हूं सिंगल साइड। तो दोस्तों सिंगल साइडेड जो होती है वो 27 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है, और जो डबल साइडेड की बात करें वो दोस्तों 54 GB, यानी इसके डबल डेटा को स्टोर कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह से जो ऑप्टिकल डिस्क है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है और आपसे ना ही पूछा जाएगा एग्जाम में। अब हम लोग स्विच करते हैं दोस्तों। मैंने आपको जब स्टार्टिंग किया था आज का लेक्चर, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हार्ड डिस्क है वो दो तरह की हार्ड डिस्क हम यूज करते थे। फर्स्ट जो हमने हार्ड डिस्क यूज की थी वो थी मूवेबल मीडिया, और हम कह सकते हैं मूवेबल डिस्क टाइप, जिसके अंदर जो डिस्क होती है वो मूव करती रहती है। अब एक चीज आपको पता है दोस्तों कि जो मूविंग पार्ट होता है उसके अंदर वियर एंड टीयर होता है। वियर एंड टीयर का मतलब, वियर एंड टीयर हम बोल सकते हैं दोस्तों,
वियर एंड टीयर बोला जाता है दोस्तों, जब कोई भी दो बॉडी आपस में रब करती है तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, उनके फ्रिक्शन होने की वजह से कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो उसी को वियर एंड टीयर बोला जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि जो हमारी हार्ड डिस्क है, मान लीजिए आपने हार्ड डिस्क निकाल ली और वो आपसे हाथ से गिर गई, गिरने के बाद जो उसके जो डिस्क होती है वो डैमेज हो जाती है, इसलिए हमारा सारा डेटा लॉस हो जाता है। उस चीज से बचने के लिए, और जो हार्ड डिस्क होती है हमारी उसकी स्पीड भी बहुत स्लो होती है, उन चीजों से बचने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए एक नई टाइप की डिस्क अभी भी आई है दोस्तों। बट अगर बात करें जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क हम लोग यूज करते हैं, मूवेबल हार्ड डिस्क, मूवेबल डिस्क टाइप, वो दोस्तों सस्ती होती है, चीपर होती है। लेकिन अगर SSD की बात करें तो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस। अब दोस्तों हमने पढ़ा था जो हार्ड डिस्क थी उसमें वो मूव करती रहती है, लेकिन इसमें सॉलिड स्टेट का मतलब यहां पर इसका मीनिंग ये है, नो मूवेबल पार्ट, नो मूवेबल पार्ट। और दोस्तों अगर इसमें कोई मूवेबल पार्ट ही नहीं होगा तो ये इसमें वियर एंड टीयर भी कम होगा। दूसरी चीज ये दोस्तों, हमारी जो SSD होती है इसके अंदर डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, बट इसके एक डिसएडवांटेज भी है कि ये काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन आजकल दोस्तों, आजकल जो लैपटॉप्स आते हैं मार्केट में उनमें SSD आने लगी है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जो हमने अभी डिस्कस किया, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेस्ड होती है विद। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें किसी तरह का मूवेबल पार्ट नहीं होता, सब इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से हमने इसको क्या किया होता है, बनाया हुआ होता है, विद नो मूवेबल पार्ट, नो मूवेबल पार्ट। इसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता। इट कैन स्टोर डेटा, और दोस्तों जब डेटा की बात करें स्टोरेज की, तो ये एक स्पेशल टाइप की मेमोरी को यूज करती है जिसे फ्लैश मेमोरी बोला जाता है। सो इसको हम लिखेंगे, इट कैन स्टोर डेटा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी। That is called flash memory। तो इसे दोस्तों flash memory बोलते हैं। आजकल दोस्तों आपने एक नई चीज सुनी होगी कि हम लोग पहले जब विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे तो हमारे पास DVD या CD होती थी, आजकल हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेते हैं और उसे यूज कर लेते हैं एज ए बूट डिवाइस। तो दोस्तों जो बूटेबल पेन ड्राइव बन सकती है वो फ्लैश डिवाइस ही होती है। अगर एक सिंपल पेन ड्राइव होगी तो वो बूट नहीं बनाई जा सकती, और जिसको फ्लैश ड्राइव होगी उसे ही बूट बनाया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं, हमने सॉलिड स्टेट डिवाइस पढ़ ली, इसी के अंदर अब पेन ड्राइव की बात चल रही है तो पेन ड्राइव भी इसी की कैटेगरी में आ जाती है। तो अब पढ़ते हैं पेन ड्राइव। तो दोस्तों इसके और भी नेम है, जैसे कि इसको थंब ड्राइव भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थंब ड्राइव। तो दोस्तों इसे थंब ड्राइव भी बोला जा सकता है, या अभी हमने बात की और फ्लैश ड्राइव। तो दोस्तों इसे थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव हम लोग बोल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये SSD होती है ये किस पर बेस्ड होती है। अभी हमने जो डिवाइस पढ़ी थी रोम के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो ये वही है। अगर बात करें इसकी फर्स्ट पॉइंट,
फर्स्ट सेकेंड एंड ये तो सेकेंड ही, तो ये इसका सेकेंड पॉइंट अब हम लिख लेते हैं दोस्तों, इट इज डबल ई पी रोम बेस्ड फ्लैश ड्राइव। डबल ई पी रोम हमने पढ़ा था दोस्तों, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो दोस्तों ये उसी पर बेस्ड होती है हमारी एसएसडी। अब दोस्तों बात करें कैपेसिटी की, तो दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी होती है दोस्तों डेटा को स्टोर करने की, वो हार्ड डिस्क से कम होती है, लेकिन जो हमारी सीडी होती है उससे ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी हम लोग नोट कर सकते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट, इट कैन स्टोर डेटा लेस देन हार्ड डिस्क। दोस्तों हार्ड डिस्क में एसएसडी अलग है और पेन ड्राइव अलग है, कभी आप इसको एसएसडी में काउंट ना करिए। लेस देन हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क की ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूं मैं, एंड मोर देन सीडी। तो दोस्तों हार्ड डिस्क से कम डेटा स्टोर कर सकती है, लेकिन सीडी से ज्यादा डेटा को ये स्टोर कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कीजिए। और दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं, तो उस पर एक बेल आइकन का आपके पास ऑप्शन मिलता है, उस बेल आइकन पे नोटिफिकेशन ऑल पर जाकर आप क्लिक कीजिए, इससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड द कनेक्टर्स।